हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल शिवी लाइफस्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ कि गट्टे की सब्ज़ी घर पर कैसे बनाते हैं। तो गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को लेना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं। तो गाइस, मैंने 2 टमाटर 4 प्याज ली हुई है और थोड़ा सा जीरा लिया है, और हमने लिया है लहसुन, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, अजवाइन और हल्दी। ठीक है, सो गाइस, हमने ये सारा चीज़ें मसाले वगैरह में लिए हुए हैं। दूसरी प्लेट की बात करनी चाहे तो दूसरी प्लेट में क्या है वो मैं आपको आज बताती हूँ। सो गाइस, हमने थोड़ा सा बेसन लिया हुआ है, उसके बगल में है ऑयल जो कि है 2 टेबल स्पून, और स्वाद अनुसार नमक तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद में 1 ग्लास वाटर। ओके, सो गाइस, इतनी सारी चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इन सब चीज़ों को रेडी रखिए। उसके बाद में हमें एक बाउल में जो बेसन लिया हुआ है, स्वाद अनुसार नमक डालिए उसमें आप। उसके बाद में आप थोड़ा सा ऑयल ऐड करिए, तो जैसे कि मैंने वो 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करा है, अब मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो बेसन को मैं अच्छी तरह से अपने हाथों से अच्छी तरह से गूंथ लेना है, जैसे कि हम आटे को गूंथते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा। उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हमें वाटर चाहिए है तो हम इसमें डालेंगे। तो दोस्तों, जो बेसन है वो हम गूंथ लेते हैं। उसके बाद में हमें एक बाउल में पानी गर्म करना है, एक बर्तन में, तो अच्छी तरह से उसको खोलने के लिए छोड़ देना है, जब तक उसमें उबाल नहीं आ जाती अच्छी तरह से। उसके बाद में जो हमारा बेसन है वो अच्छी तरह से हमने गूंथ लिया है, काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट ये हमारा हो जाना चाहिए, आपको पता चल जाएगा जब आप इसको गूंथोगे। तो उसके बाद में हमें छोटी छोटी सी इसकी लोइयाँ कट करनी है, छोटे छोटे साइज़ पर, तो जैसे आप मैं कर रही हूँ तो आप देखिए आराम से। सो इस तरह से हमें इसकी लोइयाँ कट करनी है। उसके बाद में मैं जैसे कि इसके रोल्स बना रही हूँ वैसे ही आपको बनाने हैं, आप देखते जाइए कि मैं किस तरह से इनके रोल्स बना रहे हैं, तो वैसे ही आप इनके रोल्स बना सकते हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, और ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, एकदम मीडियम साइज़ में, जिससे कि वो हमें अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो दोस्तों, हमने जो अपने रोल हैं वो अच्छी तरह से बना लिए हैं। उसके बाद में हमारा पानी अच्छी तरह से खोल गया है, अच्छे से उबाल आने लगे है, तो उसको में एक एक करके हम इसमें सारे रोल्स डाल देंगे और उसको हाई फ्लेम में ही रखेंगे। अच्छी तरह से जब वो उबल जाएंगे उसको हम निकालेंगे। तो फिलहाल तो इसको हाई फ्लेम में रखा हुआ है मैंने, और उसके बाद में हम करेंगे इसको थोड़ा सा स्पून की हेल्प से ना इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे, बिकॉज जो चिपके नहीं, और बाई चांस अगर आपके चिपके तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हाफ टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दीजिए आप, उससे बिल्कुल भी ये नहीं चिपक सकते हैं। तो मैंने इसको देखिए आप हाई फ्लेम में रखा हुआ है, तो हाई फ्लेम में ही रखना है और पक जाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं, और जब तक ये पक जाते हैं तो अपने हाथों से इसको दबा कर देख लीजिएगा कि पक गए हैं कैसे हैं, उस हिसाब से आप इसको निकाल लीजिएगा। तो हमें इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है, और पकाने के बाद में आपको ये याद रखना है कि थोड़ा सा ये फूल जाते हैं तो समझ जाइए पक चुके हैं। उसके बाद में हमने ये 2 बाउल लिए हुए हैं जिसमें कि हमने टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। तो गट्टे हमारे पक चुके हैं तो हम उसको निकाल लेंगे, और याद रखिएगा कि पानी नहीं आए बिल्कुल भी, सूखे सूखे गट्टे आ जाए। और उसको निकालने के बाद हम थोड़ा सा फ़ैन के नीचे इसको रख देंगे, जिससे कि उसका थोड़ा पानी सूख जाएगा। अब हम लेंगे एक प्लेट और चाकू, जिसमें कि हम चाकू से अपने जो गट्टों को अच्छी तरह से कट कर लेंगे, जैसे कि मैं कट कर रही हूँ वैसे, तो छोटे छोटे पीस इसको कट कर लेंगे अच्छी तरह। तो दोस्तों, हम लोग कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसके बाद में अपने सारे गट्टे इसमें डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। जब तक वो थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाएंगे उसको फ्राई करेंगे, और हमें मीडियम गैस में उसको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे गट्टे फ्राई हो रहे हैं, उसके बाद में हम थोड़ा सा इसको ऐसे और फ्राई होने देंगे, और थोड़ी सी गैस को हम स्लो कर लेंगे। उसके बाद हमारे गट्टे फ्राई हो चुके हैं तो उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। 4 टेबल स्पून ऑयल डालकर अपनी सारी अनियन को आप इस कढ़ाई में डाल सकते हैं गाइस। और मैं जो कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ वो लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ क्या होता है लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने का एक अलग ही टेस्ट आता है इस वजह से। तो पहले तो हमें इसको हाई फ्लेम में रखना है, अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती है। फिर उसके बाद में जो हमारा जो गैस का वो है ना,
उसको थोड़ा सा स्लो कर देना, धीमी आंच में पकने देना है। तो थोड़ी सी जब आपकी जो अनियन है वो ब्राउन हो जाती है, उसके बाद में जो आपने टोमेटो की प्योरी बना के रखी थी उसके बाद में उसको ऐड कर देना है और अच्छी तरह से चला देना है उसको। तो उसको भुनने के लिए छोड़ देना है, फिर थोड़ी देर वेट करना है। जब अच्छी तरह से दोनों चीज़ें भुन जाएंगी फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। करने वाले हैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हाफ भी और 1 भी, जैसा भी आपका टेस्ट हो आप मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हो। उसके बाद में 1 टेबल स्पून छोटा टेबल स्पून आपको थोड़ा सा उसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। तो उसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में ना हम थोड़ा सा उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज पानी से ना थोड़ा सा हमारे जो मसाले हैं और जो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और फिर उसको हमें लो फ्लेम में ही रखना है, पकने के लिए छोड़ देना है। हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, जैसे कि जो हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ था। तो उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद में जो हमने गट्टे बना के रखे थे ना उसको इसमें डाल लेंगे। तो गट्टू को हमने इसमें डाल लिया, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मुश्किल से 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक कि हमारे जो गट्टे हैं उसमें मसाला अच्छी तरह से मिल जाएगा गट्टों में। उसके बाद में हम पानी ऐड करेंगे, तो मैं 1 ग्लास वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपको कितने पानी की ज़रूरत हो रही है, आपको कैसी ग्रेवी रखनी है अपनी, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको हाई फ्लेम में कर दूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में मैं उबाल आने के लिए इसको छोड़ दूँगी। अभी मैंने इस तवे में थोड़ा सा जीरा डाला हुआ है, उसके बाद में थोड़ी सी हींग डाली है मैंने, उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। तवे में लो फ्लेम में ही रखना है और उसको रोस्ट करने के बाद में इसका पाउडर बना लेंगे और इस पाउडर को हम अपनी कढ़ाई में डाल देंगे, अपनी ग्रेवी में डाल देंगे। क्योंकि जो अगर आप इसको डालते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा निखर के आता है, एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो एज अ तड़का इसको हम बोल सकते हैं विदाउट ऑयल। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ नमक, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून नमक डाला हुआ है, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे तो आप वैसे नमक डाल सकते हैं। तो अगर घर पे जो भी सब्ज़ी अगर ना हो तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, जो कि बेसन से बनती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। तो गाइज़ ये जो मेरी सब्ज़ी है गट्टे की वो रेडी हो चुकी है, बेसन की गट्टे की सब्ज़ी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और भी वीडियोस को देखने के लिए बेल बटन को प्रेस करिएगा जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।